किया जी, सबको रिहा किया जी, आओ लोग को बंद कर दिया जी जेल में, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी रिहा किया जाए। जैसे आनंद मोहन के छोड़ा वैसे इन लोग के भी टाटा से मुक्त करे और रिहा कर दिए। पूरा जीवन सबके जेल में गुजार दिया, 5-6 गो लोग के डेट हो गया, वही में गरीब गुरबा है, उसको खाना नहीं जुट रहा है, तो मुआवजा तो नीतीश कुमार के देना चाहिए। मर्डर करके जाता है और कुछ करके जाते हैं, उसको रिहा कर दे रहे हैं। मर्डर चल जाए ना बेटा, गेहूँ छूट के चला हुआ ऐसा ना देख ले दुनिया में, 20-20 साल 22 साल 25 साल। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, टाडा कानून के तहत जो लोग बंद है कारागार में, आज उनके परिजन को लेकर भाकपा माले के जो तमाम नेता हैं वो परिदर्शन कर रहे थे। तमाम जो टाडा कानून के तहत बंद हैं उनके परिजन भी पहुंचे, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना। आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग जी, रिहाई को लेकर जी, कहना है कि जो भी मतलब टाटा है उनको, जो बचे हुए लोग हैं जो तो खत्म हो गए, चांद साहब भदासी के, शाह चांद साहब की पत्नी है जमीला खातून नाम है मेरा। अच्छा। हाँ, तो मेरा कहना है कि जो भी लोग हैं उनको रिहा किया जाए। हाँ, आपके कौन बंद है? मेरे बंद नहीं है, मेरे डेट कर गए हैं वही कांड में जी, वही डेट कर गए हैं। हाँ, शाह चांद अभी बोली ने विधायक जी, शाह चांद साहब भदासी के डेट कर गए हैं, तो मतलब अब जो बचे हुए लोग हैं उनको रिहा किया जाए। मोहन को रिहा किया जी, सबको रिहा किया जी, आओ लोग को बंद कर दिया जी जेल में, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी रिहा किया जाए, उनको भी रिहा करने की मांग कर। हाँ, मांग हम लोग कर रहे हैं। आप किन के, आप जो मांग कर रहे हैं रिहा करने के लिए, अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या कहिए? फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर हम लोग चढ़ेंगे आंदोलन में, जारी रहेगा आंदोलन हम लोग का, आंदोलन जारी रहेगा जी, जारी रहेगा। क्या आप किनके, आपके कौन बंद है? मेरे पति डॉक्टर जगदीश जादव हैं, 21 साल से जेल में बंद है, और नीतीश कुमार जाति के करे या ऊंच नीच के भेदभाव करे, इस जाति को नीतीश कुमार छोड़ दे कि हाँ जैसे आनंद मोहन के छोड़ा वैसे इन लोग के भी टाटा से मुक्त करे और रिहा कर दिए। कितना साल से है? 21 साल से है। कितना साल से बंद है? 21 साल से, 1-2 साल हो गया आदमी, इतना छोटा छोटा बाल बच्चा था, हम लोगों को पोस रहे हैं, समझा, छोटा छोटा बाल बच्चा, इतने इतने उड़ रहे हैं सब, सात मैंने भदासी से जो बात बोल रहे हैं, जो आज के कांड हुआ है, दरोगा मराया है, और वह चलते ही मतलब कि मैंने 16 आदमी आल थी ना, हो 16 आदमी ना। आपके कौन बंद है? हमको बंद नहीं, हम आए हैं करते हैं मुआवजा के लिए, आदमी इंसान मांग नहीं करेगा, सब चीज तो आदमी खोइए दी से, तो मुआवजा के लिए मांग नहीं किया जाएगा। इतना इतना आदमी आप जेल में बंद करके रखिएगा, जो दूसरा कोई फंसा दी सुखो, कहे नहीं मुआवजा मांगा जाएगा, बाल बच्चा सब भूख मर रहा है, तो देने वाला है को देखने वाला है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुआवजा तो नीतीश कुमार के देना चाहिए, कि पूरा जीवन सबके जेल में गुजार दिया, 5-6 गो लोग के डेट हो गया, वही में गरीब गुरबा है, उसको खाना नहीं जुट रहा है, तो मुआवजा तो नीतीश कुमार के देना चाहिए। आपके कौन बंद है? पति बंद है। आपके पति देव बंद है? हाँ। कब से? 20-22 साल हो गया है। 22 साल हो गया। हाँ। तो क्या छुड़वाने को लेकर मांग? हाँ। कर रहे हैं? हाँ, हम छुड़वाने के लिए मांग रहे हैं ना, तो उसी में रख रहे हैं हमको, कि छुड़वाने के लिए मांग कर रहा है, अपना परिवार जहर किसी के रहता है, निर्दोषी है, निर्दोषी कुछ भी नहीं, हमको इब्राहिमपुर घर है, कमाने खाने के लिए गए थे भदासी में, भदासी ने फंसा, नहीं रिहा करते तो क्या कीजिएगा? नहीं छोड़ते हैं तो नहीं, कैसे छोड़ेंगे, छोड़ना जारी रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे कैसे, नीतीश कुमार छोड़ना चाहते हैं हम, आप मर्डर करके जाता है और कुछ करके जाते हैं, उसको रिहा कर दे रहे हैं। मर्डर चल जाए ना बेटा, गेहूँ छूट के चला हुआ ऐसा ना देख ले दुनिया में, 20-20 साल 22 साल 25 साल। हमारे वही में गुजर गए थी। हाँ, मुआवजा मांगा हो? अब मुआवजा मिलते ही ना देखते ही है, हाँ मिलते हैं मुआवजा, एक तब आओ ही आई ली है। हाँ, एक बजे भी आ रहे, कुछ सुनते हो तो कहते ही बात,
चलिए, जो जिनके परिजन बंद है, जिनके कुछ के तो परिजन है वो गुजर भी गए, पर इनका साफ तौर पे कहना है कि मुआवजे की भी मांग करते हैं, मुआवजा भी मिलना चाहिए, पर जो लोग बचे हुए हैं, जो जीवित हैं, उनको कम से कम छोड़ देना चाहिए। देखिए, तमाम जो घर के लोग हैं, जो पत्नी है, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे भी हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई जारी रहेगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।